नमस्कार जी, मैं हाँ थोड़ा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डेयरी। फरीदकोट जिले के कोटकपूरा विच जिहड़ा कल डेरा प्रेमी प्रदीप कटारिया का कतल होया सी, उस मामले दे विच दिल्ली पुलिस वल्लों तीन नौजवानों जिहड़े शूटर सी इत्थों शूट करके भज के गए, उन्हां विचों गिरफ्तार करन तों बाद हुण वड्डे अपडेट आउणे शुरू हो गए ने ते इह अपडेट हुण कई दिन लगातार जारी रहिण ने। भरोसेयोग सूत्र दसदे आ कि जिहड़े इह तीन शूटर हरियाणे नाल संबंधित दिल्ली पुलिस दे स्पैशल सैल ने गिरफ्तार कीते आ, उन्हां विचों दो तां हाले 18 साल तों घट उम्र दे नाबालग बच्चे आ, उह बालग नहीं हाले होए। ते होर हैरानी दी गल इह आ कि सूत्रां अनुसार इन्हां विचों इक तां स्कूल दी वर्दी विच ही शूटर बन के मौत का फरिश्ता बन के पंजाब दे विच आ गया। एक गल होर सामने आ रही है कि कल तो ये गल कही जा रही सी ते ओही होया कि जेड़े बाजा खाना तो शूटर दे मोटरसाइकिल बरामद होए आ, ते उस तो ये अंदाजा लगाया जा रहा सी कि ये सारे दिल्ली वल नू निकल चुके आ, ते आने वाली खबर है जिहड़ी वो दिल्ली पुलिस वल्लों होवेगी, उन्हां वल्लों अरैसट कर ले जाणगे, ते वो खबर वो क्या सराइयां सच हुई जदों दिल्ली पुलिस वालों ये खबर आ गई उत्थों दे स्पैशल सैल वालों कि ये तीन व्यक्ति तीन मुंडे आ जिहड़े ये गिरफ्तार कर ले गए आ, जिन्हां विचों एक जतिंदर जीतू आ उहदी पहचान हुई आ, वह तुसीं उहदी फोटो देख रहे हो जतिंदर जीतू की, ये जतिंदर जीतू आ, ये भी हरियाणे नाल संबंधित आ। इन्हां तिन्नां दे गिरफ्तार करन तों बाद ये गल साफ हो गई आ कि जिहड़े छे शूटरां ने कतल कीता सी उन्हां विचों दो फरीदकोट नाल संबंधित आ, भुपिंदर गोल्डी ते मनप्रीत मणि, जदों के छेवा जिहड़ा शूटर आ उसकी भी पहचान हो चुकी आ, वह डिकलेयर कर दिती आ दिल्ली पुलिस ने, वह हुड्डा नाँ का हरियाणे नाल संबंधित शूटर आ, उसकी भी पहचान हो गई आ। ते हुण ये पंजाब वाले ते हुड्डा ये तीन नूं गिरफ्तार करना बाकी रह गया। दिल्ली पुलिस वल्लों कई अपडेट हुण आउणे आ, ते उस तों बाद पंजाब पुलिस इन्हां फड़े गए शूटरां नूं पंजाब लियावेगी, पुछगिछ करेगी। पंजाब विच कतल होने तो बाद दिल्ली पुलिस किवें गिरफ्तार कर लेंदी है शूटरां नूं, पंजाब दीआं खुफिया एजेंसियां हथ ते हथ धरे बैठियां रह जांदियां, पंजाब दी पुलिस हथ ते हथ धरे बैठी रह जांदी है, ये सब कुछ किवें हुंदा, इस बारे आओ गलबात करदे हां, जानकारी लैंदे हां सीनियर पत्रकार ते एडवोकेट जसवंत जस कोलों। ये बड़ा वड्डा इस वेले पंजाब दा इशू हैगा, और ये सवाल भी हैगा कि ये अक्सर क्यों हो रहा हैगा। सिद्धू मूसेवाल का कतल होंदा तो सारे कातल आ जिहड़े वो दिल्ली तो गिरफ्तार होंदे आ, नंगल अंबियां कबड्डी खिडारी मारिया जांदा तो वो सारे कातल आ जिहड़े वो भी दिल्ली तो अरैसट होंदे आ, जे गुरलाल भलवान जिहड़ा यूथ कांग्रेसी आगू हैगा सी वो मरदा वो कातल भी उत्थों, तो अज जिहड़े हुण फरीदकोट जिहड़े कतल होया ये बंदे भी जिहड़े हैगे दिल्ली स्पैशल सैल के हाथ लगते हैं, जिन्हें कि पंजाब पुलिस इन्नी सरगर्म हैगी है, पंजाब पुलिस के हाथों बंदे नहीं लगते, तो यह एक मतलब पंजाब के लोगों का तो वड्डा सवाल भी है, इशू भी है भी ये इस पिछे की राज है कि थोड़े जे समय तो जो दिल्ली स्पैशल सैल है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है, मतलब कोई भी कित भी घटना वापरती हैगी है, जी वेखो कि लॉरेंस बिश्नोई है वो कितने भी हैगा वो सब तो पहले कस्टडी हैगी जी दिल्ली स्पैशल सैल मिलती हैगी है। ये चलो हूँ ये तो सरकार लैवल की गल है कि गल क्लीयर करते कि नहीं करते, जो उन्होंने इंटैलीजेंस इन्नी हाई हैगी है, एक मतलब तो यह बनता कि जब पंजाब पुलिस जी है दिल्ली पुलिस के मुकाबले बहुत ढिली हैगी है, उन्होंने पता नहीं लगता कि इतने 300 किलोमीटर दूर बैठे है, उन्होंने सारी गल पता लग रही है। दूजी गल यह है कि ये कोई होर राज भी है कि पंजाब को पता नहीं लगता, तो दिल्ली सारा कुछ पता लगी जाता है, वो कोई वो की कारण है, ये भी अगले सामने आने, पर यह है जो हाल की घड़ी तुम पंजाब पुलिस की नाकामी कह सकते हैं, तो क्योंकि बाहरली स्टेट आके जो गैंगस्टर जो है हथियार घूमरे बनते जिन्हें इन्ना हाई प्रोफाइल मर्डर किया, वो बंदे दिल्ली के हाथ लगे है, साढ़े हाथ क्यों नहीं लगे, जो कि पुलिस ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने सूबे भर च नाकाबंदी की हुई है, स्पैशल सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, तो कल भगवंत मान ने जो है ये बारे जो टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिशियल से उन्होंने मीटिंग रही, हालांकि DGP कल छुट्टी पर सी वो मीटिंग च नहीं जा सके, तो यह वाकई एक बहुत गंभीर सवाल हैगा कि जिहड़ियां गिरफ्तारियां होईयां ये बड़ी एक विलखण तरीके नाल होईयां। पंजाब दा इस मामले नूं लैके खुफिया तंत्र दी जे गल करिए तां फिर बिल्कुल फेल दिखाई दे रहा, और कोटकपूरा तों पटियाला तक जाण दा सफर आ जिहड़ा वो लगभग 3 तों 4 घंटे दा सफर आ, जे तेजी नाल वी जाया जावे, और जिहड़ी 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 सब तों वध चिंतित गल हैगी है
ਕਿ 24 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਪਲੇਸ ਆਫ ਅਕਰੰਸ ਤੇ, 6 ਬੰਦੇ ਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਅਸਲਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪਤਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸੁਸਤੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਰੱਦਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।